अब खबर मध्य प्रदेश है, जहां स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बिंदुओं पर चर्चा की और नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के हालातों के बारे में अवगत करवाया। बता दें कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा इंदौर और उज्जैन क्षेत्र कोरोना संक्रमण से प्रभावित है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात है कि अब यहां कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 10 से घटकर 4.8% हो गई है और अब स्थिति नियंत्रण में है। अभी करीब हमारे यहां पर 1852 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, जिसमें सिर्फ इंदौर शहर के ही 1052 है, 1000 से अधिक इंदौर के ही है। लेकिन इसके बावजूद भी केस तो मिल रहे हैं, पर मृत्यु दर जो है वो अब हमने 10% से घट के हमारी 4.8 पे आ गई है, जो प्रसन्नता की बात है कि अब मृत्यु दर हमारे यहां पर कंट्रोल में आ गई है। दो बातें सिर्फ मुझे आपसे निवेदन करना थी। एक तो जो अभी इन्होंने बताया जो प्लाज्मा थेरेपी है, उसकी अनुमति मध्य प्रदेश से हमारे जेडी ने भी मांगी है और अरविंदो अस्पताल ने भी मांगी है प्लाज्मा थेरेपी की, वो अनुमति आ जाए। दूसरा, हमारे यहां जांच नोएडा में गई है तो नोएडा में काफी विलंबित हो गई है, जांच रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। हमारी वहां पर 1700 के लगभग जांच पड़ी हुई है। दूसरा भाई साहब, अभी हमारे पास में जो मशीनें तो पर्याप्त हैं, मशीनें और भी आ जाएंगी, पर किट नहीं है। जांच किट आपको स्पेशल हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। हम काफी मेहनत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काफी मेहनत कर रहे हैं, इस पूरे विषय को संभाल भी रहे हैं। अगर जांच किट आपके यहां से जल्दी से आ जाए तो हमको बहुत राहत हो जाएगी।